मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं बदमाश का एक साथी मौका देखकर फरार हो गया। दरअसल मामला नई मंडी थाना क्षेत्र पचेंडा रोड का है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और जंगलों की तरफ भाग गए, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, चार कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश अतहर के खिलाफ गोकशी और लूट के मेरठ और मुजफ्फरनगर में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये नई मंडी पुलिस यहां पर पुलिया पे चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के द्वारा करीब 100 मीटर तक चेज किया गया, दोबारा से बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश से जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अतहर बताया, जो कि कायस्थ बड्डा थाना किठोर जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, जिंदा का कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल की मालिक के बारे में पता किया जा रहा है, वह ये चोरी की है या किस प्रकार की है। साथ ही साथ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर करीब एक दर्जन मुकदमे हैं, जो कि गोकशी के और नकबजनी के मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं।